दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ SBI बैंक के बारे में। SBI बैंक में एक अपडेट है और वो अपडेट ये है कि अब आप जब भी लॉगिन करते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल बैंकिंग हो या मुझे लगता है कि अगर आप कॉरपोरेट बैंक भी यूज़ करते हुए लॉगिन करते हैं तो अब आपको वहाँ पर जो OTP है वो आपके पास आएगा, उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन देखिए, और जो ये स्क्रीन आप यहाँ पे ये देख रहे हैं वहाँ पर आपको देख करके लगे पता चल जाएगा, क्योंकि जब मैं अभी कल शाम को लॉगिन कर रहा था तो मुझे वहाँ पर OTP ऑथेंटिकेशन के लिए मैसेज आया और फिर मैंने OTP डाला। OTP डालने के बाद ही जा कर के मुझे वहाँ पर लॉगिन दिखा, यानी कि लॉगिन कर पाया। तो मुझे लगता है कि ये अपडेट अच्छा भी है और सिक्योरिटी पर्पज़ से आप देखेंगे तो सही भी है। जब भी आप लॉगिन करेंगे आपके मोबाइल में एक OTP आएगा। OTP आने के बाद जब आप OTP डाल देंगे उसके बाद जा कर के आपको वहाँ पर लॉगिन हो पाएगा और उसके बाद आपको जो एक्सेस है वो मिल पाएगा, उसके बाद आप जो ट्रांजेक्शन है वो कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अपडेट अच्छा है और धीरे धीरे मुझे लगता है कि सारे ही बैंक में हो सकता है कि ये अपडेट आए, या फिर आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो बैंक्स की वेबसाइट्स हैं वहाँ पर ये अपडेट आपको देखने को मिल जाए। बाकी बात करें इस अपडेट के बारे में तो ये अपडेट मैंने अभी हाल फिलहाल में ही देखा है, हाल फिलहाल मतलब कल ही रात को देखा था जब मैंने लॉगिन किया था। तो मुझे लगता है कि ये अभी ऐसा हुआ है, क्योंकि पहले आप ID और पासवर्ड डालते थे तो लॉगिन हो जाता था, लेकिन वहाँ पे आपको अब ऑथेंटिकेशन करना होगा। OTP डालने के बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से अच्छा भी है और सिक्योरिटी को देखते हुए और जैसा डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये अपडेट आया होगा, जो कि एक अच्छा अपडेट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।